खबर होल पर। जैसे कि अभी तक उन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या आजकल जो अभी जो इनकी एक्टिविटीज है उसके हवाले से जा रहे हैं और अपनी लोगों के साथ जा रहे हैं। पंजाब लेवल पे अपनी सर अंजाम दे रहे हैं कोरोना वायरस के मामले में, जगह जगह अपने छापे काम लगाए गए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस से जो मुतासर हुए लोग वहाँ पे जब ठीक हुए वहाँ भी उन्होंने अपना अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पे फोन किया हुआ है तमाम महकमा जात को अंदाजा हो गया है कि सुबह बता रहा था कि यहाँ पे जितने भी वार्डन के नौजवान हैं और पुलिस के पंजाब पुलिस के नौजवान हैं जो सिविल डिफेंस के नौजवान हैं और ये इसीलिए यहाँ पे नाका लगाए और आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी आगाह कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ब्रीफिंग हो सके दे रहे हैं कि प्लीज खुदारा जो कोरोना जैसी मुझी बीमारी है ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, ना इस पर कंट्रोल हो रहा है। अगर आप लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग ये जो मोटरसाइकिल के ऊपर एक एक दो दो लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियों के अंदर हैं, आना जाना जारी है और यहाँ पे असली पुलिस मौजूद है नाकों पे, पाक फौज जो है पाक आर्मी वो भी वक्तों वक्तों जो है ना वो दस्तों की शक्ल में यहाँ विजिट कर रहे हैं, सिक्योरिटी हवाले से लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लंबा शुक्रिया ये है कि ये देखिए आपके सामने गुजर रही है तो हमें इलाकी तौर पर हमें चाहिए कि हम अपने अपने घरों में बैठे, ठीक है, अपने घर में रहें ताकि ठीक रहें। गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत की तरफ से नरमी का रवैया जो है वो अपनाने के लिए कहा गया है, हम इलाकी तौर पर लोगों से एजुकेट कर रहे हैं कि अपने घर में। सलाम जी, बिल्कुल हालिया जो कोरोना वबा इसके जो अदादों शुमार हैं वो दिन ब दिन जो खतरनाक होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल को सूरत हाल की संगीनी को जानते हुए जनाब सी टी ओ साहब मोहम्मद आसिफ सदीक साहब की हदायत के ऊपर नाका जात को दोबारा से जो फॉल किया गया है और कोशिश ये कर रहे हैं कि वामुन नास को गरीब कर रहे हैं कि कम से कम घरों से निकले, क्योंकि कोरोना दिन ब दिन जो फैल रहा है वो लोकल जो ट्रांसमिशन से फैल रहा है। इसी सूरत हाल के सिलसिले में हमने जो यहाँ पे नाका जात जो सी टी ओ साहब की हदायत के ऊपर जो दोबारा से उनको फॉल किया और यहाँ पे सिविल डिफेंस और आर्मी के जवानों के साथ वामुन नास को ब्रीफ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो घरों में रुके गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से इजनाव करें ताकि कोरोना जैसी खतरनाक वबा से महफूज रहे। उस्मान ने ये बताइएगा कि ये जो लोगों का आने जाने का रश लगा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान बार बार ये कह रही है, हुकूमत पंजाब भी कह रही है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए जितना हो सके, क्या ये स्वभाव को समझ नहीं आ रही है क्योंकि आगे देखेंगे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कम तादाद थी आज 21,000 पे चली गई है, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल जी, डेफिनेटली जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सारे के सारे जो हमारी जिली इंतजामिया हैं उनका एक ही मोटो है कि हम अपनी वामुन नास को कोरोना से बचाव के लिए मैक्सिमम जो ब्रीफ कर रहे हैं, इसके लिए हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, हम एजुकेट भी कर रहे हैं और इसके अलावा देखिएगा कि सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो घरों में राशन भी तकसीम कर रही है, टाइगर फोर्स भी आ रही है, इसके अलावा स्टाफ प्रोग्राम के जरिए भी दे रही है। ये वामुन नास पे शोर की कमी है, बेसिकली ये कोरोना को ईजी ले रहे हैं जबकि पूरी दुनिया इससे जो मुतासर है